गाइस अपने अपने पासपोर्ट चेक कर लो। मौसम मस्ताना आईया खां। इसमें सोचा था अपने बर्थडे वाले दिन तू वेजिटेरियन फूड के लिए तरस रही होगी। भाई इतनी तगड़ी रेस लगा रखी है मैंने और तुषार ने, और ये एकदम रिवर के ऊपर बने हुए कॉटेजेस। ओके गाइस, तो मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। हम एक नजर बट्टू अपने साथ लाएं ताकि नजर ना लगे बिल्कुल भी। ओए लखनी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग को देखते लाइक कर दो, अटेंडेंस लगा दो, कौन कौन यहाँ पर आ गए हैं। हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है थाईलैंड के लिए। ये वाला ट्रिप और जो आपने थाईलैंड की ट्रिप देखे उनसे बहुत अलग है, क्योंकि इस बार हम थाईलैंड के कुछ ऐसे जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं कीर्ति की डिमांड पे, जो कि हमने अभी तक नहीं करे। वहाँ के कुछ गांव होंगे, कुछ ऐसी जगह होंगी जो कि आपने शायद अभी तक ब्लॉग पे नहीं देखी होगी। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस ट्रिप को स्टार्ट कर रहे हैं। पूनम बहन यहाँ अपने बच्चे की देखभाल कर रही हैं और मैं इतना चिल हूँ कि फ्लाइट अब से 3 घंटे बाद है, 4 घंटे बाद है मैं, लेकिन अभी तक मेरी पैकिंग नहीं हुई है तो मैं अपने पैकिंग भी कर लेता हूँ अभी। ये हमारे दोनों बच्चे, अभी इनको थोड़ी देर में रियलाइज हो जाएगा कि हम जाने वाले हैं, फिर देखो इनका कैसा सैड समूह बना लेंगे। सुधीर भाई ख्याल रखियो बच्चों का हमारे, ठीक है? सही में ना कंजी रेडी? Yeah. सब सब कर लिया ना अपना पैकिंग वैकिंग? वहां जाके लड़ियो मत मेरे से फिर के ये रह गया वो रह गया, ठीक है? Yes. बहन 15 kg अलाव है, ये क्या कर रही है तू यार? ये 15 सारा एक्स्ट्रा लगेज में चला जाएगा हमारा फंड ट्रिप का। अभी तो देखो मेरे कपड़े ऐसे रखे हुए हैं, अभी इनको भी लगाना है मेरे को यार। क्या हो गया? कुछ नहीं। नीतू तू तो पहले वहां जा रही ना दिल्ली मिलने? हाँ, मम्मी से मिलके आऊंगी। हाँ ठीक है, इजाज़ से मिल ले, वो बहुत टाइम बाद वापस आई हैं, उनसे मिलते हुए निकल। तो तू एयरपोर्ट एक काम कर, पूनम दीदी को भी ले जा। हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, तुम लोग अगर कंजी का होगा तो इसको भी ले जा, ठीक है? है ना, क्योंकि फिर हम यहाँ से आ जाएंगे बाकी के लोग। ओके ठीक है भी तू। तो बाकी सबका डिनर हो गया सिवाय मेरे, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। कड़ी चावल मैंने बनवाया क्योंकि फ्लाइट है 4 घंटे की अपनी, मैं चाहता हूँ कुछ लाइट ही मैं खाऊं, ज्यादा मसालेदार खा के ना पेट खराब हो सकता है फ्लाइट में। तो भाई जब देखो इसको पता लग गया है नीतू जाने को रेडी है ना, बिल्कुल जा नीतू भाई। सामान सारा नीचे भाई, इतनी रात की फ्लाइट करोगे ना नेक्स्ट टाइम बहुत मारूंगी। अच्छा सी यू। अरे हम वहीं मिल रहे हैं क्या? सी यू कर रही है, जा यार। अच्छा नहीं है तो बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट हो रहा है, लकी समझ खुद को, हमारा बाबू समझ चुका है। हाँ हाँ, अरे बाबू को मैं कहीं नहीं जाता। देख इसको, इसको पता चल गया कि नहीं तू जा, इसका भोलापन देखो वापस, आंखों आंखों से जो बातें करता है ना मेरा टूची, जो आंखों आंखों से बातें करता है बेतू। मैं है यूं बेटी, आई लव यू, आई लव यू। अरे उषा तो गाइज ऑलमोस्ट वो सब लोग निकल चुके हैं घर पर, बस मैं और तुषार बचते हैं, उन्हें हमको एयरपोर्ट तक छोड़ने चल रहा है। चले भाई चले। चलो रात के 11 बज गए, वैसे लेट नाइट फ्लाइट करना अच्छा नहीं लगता मेरे को, बट कोई ऑप्शन नहीं है भाई, फ्लाइट ही दो है। कहाँ सो रहा है देखो बच्चा। तो हम बीच में रुके हैं, मतलब राष्ट्रपति भवन के बाहर रुके, मम्मी से मिलने के लिए अंदर नहीं जाएंगे वरना गेट पास ये वो, इसलिए। हाँ कैसे हुआ? चलो चल तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट पर, सामान उतारते हैं सारा। अबे तुम लोग घर से यहाँ तक सोते हुए आए हो हैं? क्यों नहीं तू घर से यहाँ तक भी सो गई तू? हाँ क्या बहना, तेरा बर्थडे होने वाला है हाँ थोड़ी देर में। भाई जस्ट अभी हमने रियलाइज करा 12 बज गए, 12 बजे सबसे पहले मैंने विश किया तेरे को, देख ले। हेलो दीदी, मैंने किया था अभी कार में, सबसे पहले मैंने विश किया। मुझे नहीं पता 12 बज गए दीदी, निकलते हुए किसने किया? मैंने किया ना, यस। बट मैंने ये 12 बजे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं मानती हूँ, मैं बिलीव नहीं करती हूँ, मैं सुबह ही विश करने में बिलीव करती हूँ। मैंने आज तक एक एक को छोड़ के मैंने हमेशा कभी भी किसी का वेट नहीं किया कि 12 बजेंगे तो मैं विश करूंगी, सिर्फ एक को छोड़। अरे मेरा संस्कारी बालक, ख्याल रखियो अपना, ठीक है? ओके ओके ओके, उठ जा उठ जा उठ जा। ये इंजन पहले ही कर लिया मैंने, और बर्थडे ठीक है सब अपना भी ध्यान रखना। वो बोल दिया जो वहाँ पे केक कटेगा ना रात, वो मुझे इंडिया में चाहिए वापस। चल बाय, चले जाओ, ठीक है भैया। गाइस हमें लग रहा है हमने जल्दी पहुँचने के लिए पोर्टर सर्विस ली थी और शायद उसी वजह से हम डिले हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे भाई मिल ही नहीं रहे, अकेले भाई है उनका वेट कर रहे हैं 20 मिनट से, तब तक अंदर पहुंच जाते हैं। आगे शायद। गाइस मेरा बस चले तो मैं जितनी भी राइट की रात की फ्लाइट होती सब बंद करवा दूँ और अर्ली मॉर्निंग कराऊँ, क्योंकि मेरे को सच में इतनी नींद आ रही है, मैं सिर्फ वॉक नहीं की जा रही है, बहुत डिफिकल्ट हो गया। गाइस एक बैड न्यूज है यार, हमारी फ्लाइट
पहले एक घंटा डिले थी, अब दो घंटा डिले हो गई है। हमारी ट्रिप के दो घंटे कम हो गए, हमारे थाईलैंड के अंदर दो घंटे कम हो गए, क्या ही करेंगे यार। मेरी बात हो गई, बोला कि वो स्पीड से लेकर जाएंगे, मैं उसी टाइम पे पहुंच जाएंगे। मेरे भी रख लो प्लीज, बिल्कुल डायरेक्ट मैं इंडिगो में थी ना, मैं सबके टच में। अब हम अंदर आ गए, 5 बजे तक वेट करना है जस्ट बिकॉज कि हमारी फ्लाइट बहुत ज्यादा लेट है। दीदी को भूख लग गई है, इसको हम कुछ खिलाने लेके चल रहे हैं। चलो चल दीदी। मैं झूठा हूँ तो एक काम कर, अब मैं कैमरा ऑन ही रखूंगा और ये खाएगी नहीं, याद रखियो ठीक है। आशिक तो बहुत बढ़िया है। अरे भाई रातों में फोन पे बात करती, मेरे को पता है इसके लिए। मैं बता नहीं रहा वो बात ऑन कैमरा, बट मैं जानता हूँ कितनी बड़ी आशिक है ना तू। चल दीदी आजा, बहन इधर जाना, लेफ्ट जाना, लेफ्ट अपने को चल। हाँ तू तो, मैं झूठ बोला, तू कुछ खाने नहीं वाली ना, है ना? ठीक है, इसको लगता है दुनिया की सबसे समझदार सबसे चालाक लड़की यही है। हाँ भाई, अरे 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 समझदार हो, इधर इधर जा रही थी दोनों। तो ये दोनों गए हुए हैं कुछ खाना लेने के लिए, मैं और नीतू यहाँ बैठ रहे हैं। कोई ऐसी जगह मिले जहाँ हम सो पाए। हेलो, अच्छा है नीतू खाना? कैसा कंजी, तू क्या उल्टी कर रही है कैसे में? और इतना बड़ा बिरयानी इज रियली नाइस, बिरयानी इज रियली नाइस लाइक। वो हमारा नीतू फाइनली कितने टाइम से हम प्लान कर रहे थे चारों का फॉरेन ट्रिप, हम चारों का ना हम लोग लंदन का प्लान कर रहे थे, बट वो भी हम चले जाएंगे चारों। क्या टाइम हुआ भाई लोग, सुबह के 5 बज गए। दीदी का भी बर्थडे, इससे अच्छा नहीं बन सकता था। नींद भी नहीं आ रही यार, यहाँ पे आ रही है, सो नहीं सकते यार, कंफर्टेबल नहीं है जगह। फाइनली अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, फ्लाइट के अंदर जाते सो जाऊंगा, जो खाना वाना मिलने वाला है वो भी नहीं खाऊंगा भाई। नींद आई है बहुत जोर की, तो मन कर रहा है बस बैठे बैठे भी सो सकता हूँ इस टाइम में। सोचो मैं कितने टाइम से जगा हूँ, कल पूरे दिन नहीं सोया, जल्दी उठ गया था, पूरी रात नहीं सोया, सुबह के 5 बज रहे, भगवान करे अब नींद आ जाए अच्छी। नीतू को देखो, वेल डन नीतू, कैसे भी अच्छी खासी आँख लगी थी, इतने ही मील आ गया अपना, भूख भी लगी हुई है तो उठ गए सब लोग। गुड मॉर्निंग गाइज, हम लोग बस लैंड होने वाले हैं। मैंने लैंड होने से पहले रोहित को बोला कि भाई चेक कर लियो कुछ सामान यहाँ रहे ना, रोहित को कुछ और लगा, इनका भी कुछ ना रह जाए यहाँ पे। कह रहा सर हमने टिश्यू वगैरह सब रख लिए। अबे ये नहीं बोला मैंने, बोला अपना सामान कुछ ना रह जाए भाई, अपना नहीं। उड़ जा बच्चा, उड़ जा उड़ जा, इसी दुनिया में जीना तेरे को। गुड मॉर्निंग भाई, इतनी तगड़ी रेस लगा रखी है मैंने और तुषार ने, बिकॉज फिर क्या होता है ना, जब फ्लाइट में से बहुत सारे लोग उतर जाते हैं, भीड़ लग जाती है, तो इसीलिए सबसे पहला रूल जब भी आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, इमिग्रेशन होगा, फ्लाइट से उतरो सीधा भागो, इमिग्रेशन की लाइन में लग जाओ, वरना 2-3 घंटे वेट करना पड़ सकता है। 2-3 घंटे ना ट्रिप में से कम हो जाते हैं वो हमारे। भाई एयरपोर्ट के अंदर इनको एक मेट्रो बनवानी चाहिए, अंदर अंदर के लिए। कम से कम 2 किलोमीटर की वॉक कर ली हमने, मॉर्निंग वॉक भी होगी इस बहाने, बट बहुत दूर है जहाँ पर इमिग्रेशन होना है और जिस गेट पे हम उतारा है। गाइस हमारे साथ एक पंगा हो गया इमिग्रेशन के लिए, हम तो बिल्कुल अंदर पहुँच चुके थे, फिर नीतू का फोन आया, नीतू मैडम अपना पासपोर्ट प्लेन में ही भूल आई है। बहुत बढ़िया करा इसने, और पूरा मेरे को तो फोन भी नहीं लग रहा, यहाँ पे सिम नहीं चल रहा। अरे उनका फोन उससे पास है, यहाँ सिम नहीं काम कर रहा उनका। बहुत दीदी को इन बैग में नीतू को ढूंढना नहीं आता। तो गाइस पूनम दीदी गई है पासपोर्ट ढूंढने, नीतू गई है पूनम दीदी को ढूंढने, और मैं जा रहा हूँ इन दोनों को ढूंढने। अब अपडेट ये, नीतू का फोन आया भी कि पासपोर्ट मिल गया है, ये दोनों मिल गए मेरे को, बहुत बढ़िया, इनको अच्छा सबक मिला इस बार। वेलकम वेलकम, कहाँ था यार? क्यों नीतू ऐसा क्यों करती है तू, हर जगह हंसो रही है, कितना अच्छा काम कर दिया। सोचो इतनी जल्दी हम लोग गए भाग भाग के इमिग्रेशन के चक्कर में, तो वो फायदा क्या हुआ जल्दी जाने का, और तुम कम थोड़ी, तुम्हारा पासपोर्ट उसमें रखा है लैपटॉप बैग में। क्या बिलीव नहीं हो रहा? मुझे बिलीव हो रहा है, मैं बोलता हूँ ना तेरे लिए नीतू है तो मुमकिन है, सच्ची मुमकिन है। ये सब छोड़ो, इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि नीतू ने मुझे दिया, इसे याद है किसने मुझे दिया है, इतने कॉन्फिडेंस से। हाँ मैं दीदी मुझसे सुनो, दीदी मुझसे कह रही वहाँ पर, अरे तुझे ही दिया है तू भूल गया है, हाँ तू बहाने बना रहा है, ये सब कह रही है। मैंने कहा मैंने मुझे दिया ही नहीं, मुझे याद रहता भाई। हाय 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 हाय, तो यहाँ पर हमारा बैगेज का सामान आ रहा है, लखन भैया सारा सामान कलेक्ट कर रहे हैं। ये रहे बैगेज, आज तो जल्दी आ गए बैगेज हमारे, जल्दी नहीं आ गए, आज हम लेट आए, आज बैग हमसे पहले आ गए। भाई जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार हम टिपिकल थाईलैंड वाले ट्रिप पे नहीं आए, कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह आपको दिखाने वाले हैं, तो उसके लिए हमने अपनी टैक्सी करा ली है, और यहाँ से 4 घंटा दूर है वो जगह बैंकॉक से, और
नीतू और रोहित ये लोग सिम खरीद रहे हैं सबके लिए। लेट्स गो, हम लोग आ गए और गाड़ी भी मिल गई अपने को, काफी बड़ी गाड़ी मिली है। बैठ तू, मैं लगवा लूंगा बैग। गाइज अपने अपने पासपोर्ट चेक कर लो। कर लिया। आपके गाड़ी ना तो रुकवाऊंगा ना मुड़वाऊंगा। चेक कर लिया? यस। रोहित भाव कैसा लग रहा है, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप? बढ़िया। कैसा लगा तुषार? बहुत बढ़िया। यहाँ की जमीन पर कदम रख के हम लोग सैंडी और पुनीत को मिस कर रहे हैं। पुनीत का पासपोर्ट नहीं था और सैंडी को घर का जाना। फिर ये ना कि यार सिर्फ अकेले एक को नहीं छोड़ सकते ना, तो इसलिए सैंडी भाई भी वहाँ पे रुके। अब अगली बार सब लोग आएंगे साथ में। बट सैंडी ने पुनीत के लिए सैक्रिफाइस किया, कहता कि मैं रुक जाऊंगा। खाने के लिए हम बीच में रुके हैं कहीं और ये हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट का स्टॉप है। कुछ अपने को वैसे फास्ट फूड ही लेना पड़ेगा। गाइस बहुत ही अजीब जगह है, एक भी रेस्टोरेंट ऐसा नहीं जहाँ से हम कुछ भी ले लें। एक तो सब जगह नॉन वेज है और वो भी अजीब सा है। भूखे ही जाना पड़ेगा शायद होटल तक। अब मैं सोच रहा हूँ जहाँ हम जा रहे हैं अगर वहाँ भी ऐसा ही हुआ कि कुछ वेजिटेरियन में नहीं मिला तो यार बैंड बच जाएगी अपनी। ये स्टोर है यार 7-Eleven, आई गेस यहाँ से कुछ मिल जाएंगे, चिप्स वगैरह वही ले लेता हूँ। और गाइज एक चीज़ और आप देख सकते हो, आप कभी फॉरेन ट्रैवल करें तो आपको चिप्स भी बड़े मेक श्योर करके खानी पड़ेगी, बिकॉज ये चिप्स जो है ये नॉन वेजिटेरियन है, ये श्रिम्स वगैरह से बनी हुई होती है। देखो ये पता नहीं क्या चीज़ है, कोई सी फूड है उससे बनी हुई है। तो आपको बहुत ध्यान से भाई कुछ भी लेना है, मतलब बिल्कुल पढ़ के लेना है आपको। यहाँ वो वाला भी हॉलमार्क नहीं होता कि ग्रीन हॉलमार्क वेजिटेरियन पर है, रेड नॉन वेज पर है, यहाँ होता ही नहीं है वाला सिस्टम। और लास्ट टाइम का मेरे को एक्सपीरियंस याद है, मैंने नॉन वेज वाला चिप्स ले लिया था, अच्छा हुआ राइट टाइम पे पता चल गया मेरे को। भाई वाह, ये केले हैं, केले की कैंडी है ऐसे पैक कर करके के केला। कुछ नहीं मिला ना वहाँ पे? नहीं, हमने पिज्जा ले लिया, वेज पिज्जा मिल गए। अच्छा, यहाँ पे वेज वो ले दो, यहाँ तो चिप्स भी देख के लेनी पड़ेगी कहीं नॉन वेज ना जाए। कुछ ले लो लक्सू। हाँ देखता हूँ। डे वन, एक घंटा हुआ है, ऑलरेडी मिसिंग इंडिया एंड इंडियन फूड। नॉट एग्जैक्टली इंडियन फूड बट वेजिटेरियन फूड। लेट्स गो। सब लोग आ गए? नहीं तू? हमारा तो ड्राइवर भाई नहीं है अभी। ये पिज्जा कौन लाया है, कहाँ है, कितने पिज्जा है? क्या हैप्पी बर्थडे, किसने सोचा था अपने बर्थडे वाले दिन तू वेजिटेरियन फूड के लिए तरस रही होगी। सच में यार, ये है लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो हम तुझे दे रहे हैं, तू कोई भूलेगी नहीं। क्या क्या लिया है भाई? आईया खा, आईया खा। सो दिस इज मोका, मैं फर्स्ट टाइम बबल टी। बबल टी इसमें शुगर तो नहीं है? तो गाइस यहाँ पर पिज्जा आ गया है, वेजिटेरियन में सिर्फ एकमात्र ऑप्शन यही था और कुछ है ही नहीं। दो मात्र थे ऑप्शन, सो वी बॉट टू पिज्जा। पिज्जा अच्छा है? पिज्जा तब तक पता नहीं था, सबके हिस्से में दो दो स्लाइस है, सब एक एक पिज्जा आराम से खा सकता है, बट दो ही पिज्जा है तो हुआ नहीं, चिप्स खानी पड़ रही है अब भूख मिटाने के लिए। गाइस आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छा सजेशन देता हूँ, अगर आपको कहीं भी जाना है और आपको पता करना है कि आप जो प्लान कर रहे हो बेस्ट है या नहीं, तो आप एक बार हमारे कीर्ति दीदी के डीएम में जाना, उससे सजेशन मांगना और जो भी वो सजेस्ट करे ठीक उसका उल्टा करना आप। क्योंकि जो इसने आज हमारे साथ कराया ना भाई, हम पिछले 8-9 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं कंटिन्यूस। नहीं, हम कल रात 11 बजे के निकले हुए हैं, आज दोपहर के 4 बज गए, अभी तक हम पहुंचे नहीं है, पता नहीं भाई कौन सी जगह जा रहे हैं। लेकिन रास्ता ऐसा लग रहा है बिल्कुल आइसोलेटेड सा है, हमने कुछ ज्यादा ही अलग करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही अलग आ गए हम। मजा आ रहा है? ये तो अपने आप को भाई वहाँ विंडो पे बैठ के करीना कपूर समझ रही है, बाहर देख रही है, इमेजिन कर रही है किसी मूवी के अंदर है, ये ऐसे अपनी जुल्फे ठीक करती है, बाहर इमेजिन कर रही है कोई सॉन्ग चल रहा है। सही है तेरा यार, परी ऊपर। ये देखो कोई टेंशन नहीं, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, अपनी मस्ती में मस्त, नीतू जैसा होना चाहिए हमें। यस गुड, मैं कह रहा कोई टेंशन नहीं, अपनी मस्ती में मस्त। तो यहाँ पर किसको टेंशन हो रही है? भाई फाइनली हम अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। ओ दीदी को देखो, उनसे हिंदी बोल रही है बहुत देर से। अरे तो शायद आपको बोल रही है यार, कह रही है भैया इसको फेंक। अरे तो शायद आपको बोल रही है यार, इसके साथ सीन गलत है, कोई बात नहीं। ओ भाई ये क्या, ओए देख कितना बड़ा पहाड़ है सामने ही। वाओ यार, ये साइकिल वाइकल खड़ी है, मेरे ख्याल से साइकिल भी हम लेके जा सकते हैं साइकिलिंग करने के लिए। वाओ यार, बैम्बू ट्रीज हर तरफ, ओ अच्छा लग रहा है रास्ता यार, चले। मौसम मस्ताना, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। बस बस अच्छा। हाँ लेकिन ये जगह काफी सुंदर है, एकदम ऐसा लग रहा है इन बिटवीन ऑफ नेचर। और ये एकदम रिवर के ऊपर बने हुए कॉटेजेस, बाकी तो जाके पता चलेगा। ए यार वाह यार, एक्सीलेंट जगह।
अच्छा है ना पूरा मैन? यार ये बहुत ही नीचे है, इतना भी दूर नहीं बनाना चाहिए, लिफ्ट विफ्ट लगानी चाहिए कुछ। हम जैसे उम्र दराज लोग जब आ जाते हैं तो हमारे लिफ्ट की तो व्यवस्था करनी चाहिए इनको। हाँ यार ये बात तो है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, जितना आगे जा रहा हूँ उतनी गहराई और दिख रही है। तो थोड़ा आराम से रहना यहाँ पे। ए दीदी की आवाज आई थी क्या अभी? वो तो वहीं रह गई। हाँ अब तो दिखना ही बंद हो गया ऊपर, जितना ऊपर उतना नीचे है अभी। क्रोकोडाइल भी है तो ये बिल्कुल रिवर के ऊपर है यार, वाओ ब्यूटीफुल। ये है वो जगह। अबे कैसी सीढ़ियाँ हैं ये? आप बहुत देर से वही देखे जा रहे थे, अपने भाई को नहीं देख रहे थे, मैंने सोचा अपनी शक्ल दिखा दूँ आपको। आप बच के रहना, हाँ थोड़ा संभल के रहना है। चलो पूनम बहन कूद जाओ। कोई नहीं कोई नहीं। ओहो ये क्रॉस करके जाना पड़ेगा अपने को, एक एक करके जा रहे हैं। वैसे कितना भी थोड़ी बहुत तो स्विमिंग आती है मेरे पे। ये तो ऐसा लग रहा है बोट पे ही बना है पूरा यार। चलो 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 अच्छी जगह आ गए यार हम। कहाँ पर है? रिसेप्शन इधर है भाई। नया भी एक्सपीरियंस है तो ये रिसेप्शन है जी। हाँ हाय वी आर सिक्स पीपल, एक्चुअली आवर कार इज वेटिंग देयर फॉर द लगेज, यू नीड टू सेंड समवन, ही इज इन अ हरी, द ड्राइवर इज इन अ हरी। या हाय, सो मे आई हैव योर पासपोर्ट? या या श्योर श्योर, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, वी जस्ट होप द फूड इज ऑल्सो टेस्टी। वाह यार गाइस एक बार आप ये देखो। ओहो हो मजेदार यार भाई, वाह वर्थ इट है यार आने के लिए ये जगह। वाओ और ये देखो उन्हें, मैंने अपने पासपोर्ट दे दो यार सब लोग, मेरा बैग से निकाल दे रही तू, मेरे बैग में ही है, नाइकी वाला यहीं तो रखा है मैंने, वो देखना उधर तुषार उस चेयर पे रखा है। और यहाँ पर हम कायक बोट भी मिलती है, वो लेके हम बोटिंग भी कर सकते हैं। बट यार ज़्यादा गहरा रिवर है, डर लग रहा है मेरे को थोड़ा, यहाँ तो बैठ ही सकते हैं वरना। बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है ये जगह। वाओ पहाड़ भी रिवर भी, देखो वो पहाड़ भी है वहाँ पे। ओके तो यहाँ पर वेलकम ड्रिंक मिली आते ही। व्हाट इज दिस? दिस इज पेओ। पेओ पेओ हेल्दी है यार, उन्होंने बताया मेरे को भी मिल गया लगसो। अच्छा यहाँ पे तौलिया बाहर क्यों दे रहे हैं? यही नाना क्या? मैं कुछ भी, थैंक यू तेरे को इसलिए दिया, अपना मुंह पोंछ ले। तो ये हमें रूल समझा रहे हैं कि रेस्टोरेंट यहाँ पे 9 बजे बंद हो जाता है, और बाय द वे ये बहुत टेस्टी है। एक आप आज करते हैं, कल दो करते हैं, बहुत सारे कल हमारे पास पूरा दिन है। आज ये करें एक ये तीन एक्टिविटी तो बहुत सी। ये तो क्या बोट में बैठ के यहाँ को वहाँ को जाने में, ये बकवास है। ये वाटरफॉल वगैरह ये तो देखना, कल चलेंगे। चल रहा तेरे को वाटरफॉल वगैरह नहीं देखेगा? तो देखना है कंजी पे, इंग्लिश बोलनी आती? दिस 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 सही बोल रही है, और उन्हें समझ में नहीं आती है। चुप करो यार चुप करो, मैं कुछ हेट रहा हूं। अरे कंजी के लिए साइकिल फ्री में। मैडम आई एम गोइंग टू जंप। मैडम आई आई वांट टू साइकिल। तो आज हम लोग करेंगे स्विमिंग एंड हम लोग दीदी का केक कट भी करेंगे, तो आज हम ये दोनों चीज करने वाले हैं। बट मैं स्विमिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पहले तो मुझे यहाँ पर लगा क्रोकोडाइल ना हो और मुझे डर लग रहा था, मैंने अपना पैर यहाँ पर डिप कर लिया था। बट फिर मुझे तुषार ने बोला मैम उठ जाओ कि कुछ हो ना यहाँ पर, तो मैं उठ गई तुरंत। लेकिन अब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर अभी हम स्विम करेंगे, उसके बाद नहाएंगे वहाएंगे और फिर रेडी होंगे बर्थडे के लिए। आज दीदी का बर्थडे है तो हमको सरप्राइज़, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ट्रिप पर तो ले आए, लेकिन हम ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ करेंगे नहीं, हम एक प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा सेलिब्रेशन करेंगे यहाँ पर सब मिलकर। तुषार तुम्हें केक अरेंज करना है, बोल दिया ठीक है। व्हाट हैपेंड? डू यू हैव पेस्ट्री? यू हैव पेस्ट्री लाइक अ स्लाइस ऑफ केक? अरे कोई नहीं, अमरूद वमरूद जो मिले उसे काट लियो, बर्थडे तो है, हेल्दी काट, हेल्दी केक होगा। विल जस्ट स्विम फॉर टुमारो, जस्ट बुक दीज एंड गाइस आप देख रहे हो ये तीनों एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी है, ये लोग बात कर रहे हैं कि क्या क्या एक्टिविटी हमें कल करनी है, और रोहित सारा लगेज ले आया है। कैसा रहा रोहित? यार लोकेशन तो बहुत अच्छी है लेकिन लगेज लाते लाते थक गए सब, थक गए ये देखो। और इन्हें सबसे बड़ी बात है इन्हें इंग्लिश नहीं आती ना, यहाँ के मैं इंग्लिश सीख गए लेकिन ये नहीं सीखे। खैर यहाँ पर हमारा लगेज आप देख सकते हो कितना सारा है, और वेलकम ड्रिंक जो ये दे रहे हैं ना, सच बता दी उसका टेस्ट बहुत ज्यादा कड़वा है,
लेकिन लोगों को कड़वा भी पसंद है यार। मुझे अपने गांव की याद आ गई ये सब देख के, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो वो ये है कि इसमें गैप दिख रहा है ना नीचे, ये इतना मोटा है कि फोन आराम से निकल जाएगा। अगर फोन गया ना इसमें तो सीधा गंगा पार मिलेगा, याद रखना ठीक है। तो थोड़ा सा ख्याल रखना इस चीज का। और दूसरा गाइस, हम लोग बस चेंज करके मिलते हैं 20 मिनट में, ठीक है। कितनी सुंदर नजारे हैं यहाँ के। हम एक नज़र बट्टू अपने साथ लाएं ताकि नज़र ना लगे बिल्कुल भी। तो सबसे पहले रूम आया पूनम दीदी का और हमारी कंजी दीदी का 8A। या मेरा बैग उसमें है। हाँ आ जाएगा वो तो, आज नहीं तो अगला हमारा होगा 8B, फिर इन लोगों का है। सो गाइज ये वाला है रूम हमारा, आपको लेके चलता हूँ अंदर। वाह, सबसे अच्छी बैल्कनी है और बैल्कनी के बाहर का व्यू कुछ और ही है। जनरली हम ऐसा व्यू नहीं देखते, अभी बालकनी से बाहर जाके दिखाऊंगा। टीवी जो कि हम नहीं देखने वाले बिल्कुल भी। बेड पर कैमरा रख देता हूँ, अपनी जैकेट रख देता हूँ, अपना बैग रख देता हूँ। ये अलमीरा है यहाँ पर, ये क्या है? ओके बालकनी है अपनी वाली। बाथरूम कैसा है नीतू यहाँ का? क्या है यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है ना? भूल भुलैया। सो गाइस ये आप देख सकते हो हमारा बाथरूम है। नहाने का कहाँ है भाई? ओके ये नहाने का है, काफ़ी सुंदर है यार। ये हमारी बालकनी जो आपने देखी, इसमें यहाँ भी हम लोग बैठ सकते हैं और इधर भी बैठ सकते हैं, नेचर का लुत्फ़ उठा सकते हैं यहाँ भी बैठ के। हमारे पड़ोसी बहुत ही बोरिंग टाइप के लोग हैं। ए पड़ोसी हो, इधर देखो, क्या कह रहे थे तुम? अरे हिल रहा है कॉन्स्टेंटली, मतलब आपको ऐसे फील नहीं हो रहा होगा बट मुझे पता चल रहा है। जस्ट वाओ, बहुत सुंदर, बहुत सुकून है, पहाड़ों के नदियों के बीच में एकदम। गाइस विडम्बना देखो, हम वहाँ से आए जैकेट पहन कर, यहाँ पे आके हमें एक नहीं दो एसी लगे हुए, तो इसलिए दोनों ऑन कर दिए। फैन इनका इसी स्पीड से चलता है। गाइस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी हमारे साथ, आप देख सकते हो। हम वहाँ छोड़ के यहाँ पर आए कि यहाँ इनको पानी में जाने देंगे, बट अब यहाँ भी मना कर रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि दोबारा उधर जाओ, समझ ही नहीं आ रहा। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत थाईलैंड घूमते टाइम जो मैंने अब तक फेस करी वो है कम्युनिकेशन, कि ये लोग ऑब्वियसली मतलब यार अपनी लैंग्वेज में बात करनी आती है बट इंग्लिश को ये लोग कभी भी अप्लाई नहीं करते। बहुत अजीब इंग्लिश है यहाँ की, मतलब कम्युनिकेशन करने में बहुत दिक्कत है, उनको बहुत टूटे फूटे वर्डों में समझाना पड़ता है। यस अगर मैं वापस नहीं आई, ए चुप, दोबारा नीतू सुन, तुझे मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, सुन इधर मजाक अपनी जगह, इधर समझ नहीं आ रहा तेरे को? दोबारा ना ये बकवास करती दिख मत जी मेरे को लाइफ में, समझ आ रही है? क्या करोगे? क्या करूँगा? हाँ भाई बर्थडे गर्ल, चल जा, ये चली भी गई, तूने पूछ लिया ना इनसे कहीं जा सकते हैं? तो पहले क्यों मना कर, पहले वहाँ के लिए क्यों करते हैं लोग? ज़्यादा ठंडा है गाइस, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको छोड़ दूंगी ना तो मैं, तुझे तो सेविंग आती है? अबे यार हमारे में तो किसी को भी समझी नहीं, छोड़ दूँ आ जाऊंगा मैं, बिना उसके पूछ जाऊंगा। मतलब कैसे स्टूपिड सवाल कहती है, मुझे तैरना आता थोड़ा बहुत तो यार, और लाइफ जैकेट क्या करूंगा अगर लाइफ ही मेरी वहाँ चली जाएगी? नहीं तो उधर वहाँ चलेगी तो मैं कूद जाऊंगा, सच्ची बता रहा हूँ। तो ये कुछ बता रहे हैं, अरे फिर नहीं तो गायब हो जाएगी, वो कह रहे हैं रेड उस पे जाना है। बट एट द रेड फ्लैग वी हैव अ स्टेप लाइक दिस, ओके ओके, यू हैव दिस स्टेप एंड देन वॉक बैक एंड जंप अगेन, ओके, कीप दिस साइड, डोंट गो द मिडल, ओके, गेट अप एट द रेड फ्लैग एट द एंड। तो ये बता रहे हैं बहुत दूर गांव में एक रेड फ्लैग हमें दिख रहा है, कह रहे हैं वहां तक तैरते हुए जाओ यहाँ से, लेकिन इसी साइड रहना वरना दिक्कत हो जाएगी। कैसे पकड़ के नहीं ला पाएंगे तेरे को यार, मैं तो कह रहा हूँ मत जा यार, छोड़, कोई फायदा नहीं है इन चीजों का यार, मैं जा रही हूँ। वरना तो देख ऐसा एक वो भी है अपने रूम के बाहर, वहाँ जाकर नहीं तो मत कर यार मेरी माने, आ जा। अरे लदेड़ो, एक तो तुम दोनों इसमें चले गए हो, ऊपर कैसा होगा एक साथ? अब अरे आने को तो आ जाएंगे, ये पकड़ लेंगे, लेकिन भाई लाइफ जैकेट यहाँ भी है क्या? पूछा तो मेरे को एक पहना दे लाइफ जैकेट लेकर ना इमरजेंसी में, इनमें से कोई सा कुछ हो गया भाई मैं तो तुरंत कूद जाऊंगा बिना कुछ सोचे समझे। मैं तो ऐसे ही कूद जाऊंगा। हाँ ऐसे है ना, कूद तो ऐसे ही जाऊंगा बट बचूंगा तभी तो इनको बचा पाऊंगा। भाई नीतू की जिद है कि वो कैमरा लेके जाएगी, कैमरा गिरा मत दियो बस। हाँ गिव इट टू मी, ओके गाइस तो मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। हां तो हाँ ठीक है, मना कर दिया भाई कि ये लेके मत जाओ, एक्शन कैम ऐसी चली जाए। तो दीदी को स्विमिंग नहीं आती, दीदी को बोल रहे हैं अंदर नहीं जाए और वो यहीं पे तैर ले जैसे तैर रहे हैं। हाउ डीप? वेरी डीप, 5 meters आई थिंक। हां 5 meters, 5 meters, 5 meters डीप है, नहीं तो पूरी डूब जाएगी तू दो बार। अब देखो, अब तुम मानते हो तुम्हारा अच्छा डिसीजन, तुम वहां नहीं गए, इतना तेज करंट है, देखो यहां से चढ़ नहीं पा रहे ऊपर यार ये लोग। आ जा मैं खींचू, तू साथ पकड़ ले यार, गुड थैंक यू, चल गुड।
ये भी खुल गया। एडवेंचर करो बट सेफ्टी के साथ, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आ जाओ भाई, आ गया, ड्रामा कराऊं तेरे से भी। तू ज्यादा ड्रामा नहीं करती, ये तो आज पूरे टाइम ड्रामा अच्छा लगता है ज्यादा। ये तो पूरे टाइम ड्रामा करती यार ये। खींचो तो खींचो, पानी बहुत फास्ट है, स्विमिंग काम नहीं आएगी। करने गए थे क्या, लौट आए वापस, आने लगी। चलो चल चल, ये इसका यही तो है, इसको अटेंशन चाहिए। अरे साहब मछली समय है इसके अंदर। ये पागल है भाई, मेरे तो स्ट्रेंथ खत्म हो गई है आपकी। ये अच्छा था, बढ़िया, मजा बहुत आ रहा है ऐसे जब हम, मैं पीछे जा रही हूँ ना। चलो ऊपर रहती, बहुत मजाक हो गया भाई। तो ठंडा पानी था ना, इनकी हिम्मत है जो ऐसे ठंडे पानी में चले गए। ट्रस्ट मी, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अपने जान से रिस्क नहीं ले सकते इंसान। वाओ वाओ। नीतू वैसे तू है तो बहुत बड़ी कार्टून, मैं मान गया आज। What? सच्ची चले? हाँ चलो, अभी और कुछ डिनर कर लें। हाँ भाई। कुछ क्योंकि आज खाया नहीं पूरे दिन भाई हमने। आजा भाई रोहित भाऊ, चले आजा कंजी। कंजी तो उतरी भी नहीं, सबसे ज्यादा इसी ने बचाई थी। नहाएंगे कब, नहाएंगे कब, उतरी भी नहीं, स्विमिंग नहीं आती ना उसको। आजा, ये चप्पल भी गीली हो गई यार ये वाली। चल क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? चेंज करके आ रहे हो? एक भाई तू चेंज करके क्यों आ रही है? चलो भाई आ गई अपनी टीम, अब चलते हैं डिनर करने। वैसे आज नहीं, कल रात से कुछ भी ठोस नहीं खाया भाई। फ्लाइट में इतना गंदा खाना मिला था, और पता है मैंने आते में बुक किया था वेज हिंदू मील, और हिंदू मील के नाम पे मेरे को उन्होंने दिया नॉन वेज। वो तो अच्छा हुआ कि हमने खोलते ही देखा, मुझे पहले पनीर लगा, वो एकदम से रोहित ने बोला सर ये तो चिकन है, फिर ध्यान से उसको तोड़ा तो वो चिकन ही निकला। अच्छा हुआ नहीं खाया उन्होंने, पता है उसको चेंज भी करा कम से कम आधे घंटे में जब सबका हो गया उसके बाद। तो बड़ी मेरे को ख़राब बात लगी, था ये वेस्ट से हम आए थे। बाकी जैसे देखो ठीक है, अच्छी भी थी, एक ये ड्रॉबैक है बस उसका आज का हमारे ट्रिप का। बाकी हमने ठोस खाना नहीं खाया, अब खाने आ गए कुछ। यहाँ का रेस्टोरेंट है ये तो अभी आपने देखा ही नहीं, क्योंकि हम खुद पहली बार इधर आ रहे हैं, और लोग इधर देखो कैंडल लाइट जला जला के डिनर कर रहे हैं आपस में। यार जगह बड़ी रोमांटिक सी, बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है यहाँ पे। मैन खुशबू कितनी प्यारी आ रही है ना। आ जा सुनो, सबसे पहले केक कटेगा, ठीक है? ठीक है, केक तो है नहीं तो ऐसे ऐसे ही काटेंगे ना, इमेजिन करेंगे। हाँ ऐसे। अरे बर्थडे गर्ल इधर आओ, बर्थडे गर्ल आप इधर बैठोगे, बर्थडे गर्ल। अरे बर्थडे गर्ल उधर बैठोगे आप? ओ अरे ले, कितना बड़ा धोखा, मैं सोच रहा था कैंडल लाइट डिनर हो रहे हैं यहाँ सबके। अच्छा कैंडल नहीं यार, लाइट है ना ये। यार एक बार ध्यान से देखो आप, ISO और कम करना पड़ेगा, ये देखो। अरे फेक है पूरा। तो आज का ऑर्डर हमारी दीदी करेगी बिकॉज उसका बर्थडे है। क्या अच्छा इनका अपनी लैंग्वेज में लिखा है क्या? नहीं पता नहीं क्या लिख रहे हैं। नीतू यादव कितनी सीरियसली काम कर रही है अभी भी। गाइस बाकी सब तो ठीक है, बस एक इश्यू हो गया है कि इनके पास केक नहीं है। बट हम भाई बिना केक काटे नहीं जाएंगे। कैसे मन में केक काटते हैं, आज हम ऐसे ही काटेंगे, इमेजिनरी हैप्पी बर्थडे करेंगे। हाँ डिजर्ट में आगे काट लेंगे। हाँ ये भी है, ठीक है। तो हमारा पहला मील आज का आ गया है पास्ता, दो पास्ता, पिज्ज़ा आने रहते हैं ना अभी। और भी कुछ ऑर्डर कराया क्या? हाँ तूने भी कुछ कराया नहीं ऑर्डर? हमारा डिनर हो गया, कल मिलेंगे हम आपसे। कल बहुत सारा फन एक्टिविटीज होने वाली है, हमने प्री बुक कर दी है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।